रोज रोज का रिकवरी वालों को आपको रिमाइंडर देना आपके क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के पेमेंट्स को लेकर, आपको व्हाट्सअप करना, मैसेज के थ्रू परेशान करना, आपको टाइम टू टाइम बार बार रिमाइंडेड करना, आपको हरेसमेंट करना, यह सारे रिकवरी वाले अगर आपके साथ ये हथकंडे अपनाते हुए आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो आपके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप परेशान हैं क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को लेकर कोविड-19 के बाद, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी राहत की बातों का पता चलेगा, ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड को या तो पेमेंट कर दें EMI पे कन्वर्ट करवा के, या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाएं तो आप सेटलमेंट करवा लें। वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है सेटलमेंट और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को लेकर। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि इन दिनों तो स्वस्थ रहना ही हमारा बहुमूल्य ऊपर वाले का उपहार है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता चल चुका है कि शहरों में लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, और फिर हमारी जो इकोनॉमिक है चरमरा रही है। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए मतलब अब जो वक्त है बहुत भारी सा होने लग गया है, और कुछ लोग जो है इस वक्त में क्रेडिट कार्ड वगैरह के पेमेंट्स को लेकर नर्वस हो रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जब इनकम ही नहीं तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 2 महीने से 3 महीने से डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और आपको रिकवरी वाले आपको कॉल करके रिमाइंडर कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं कि हम आपके ऑफिस पे आ जाएंगे, पुलिस भेज देंगे, वकील को लेकर आ जाएंगे, आपके पड़ोसियों को कह देंगे, या आपके घर के बाहर आकर शोर मचा रहे हैं, पड़ोसियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप इसमें आपके क्या क्या अधिकार है? तो दोस्तों, हमारे देश में बैंकिंग से रिलेटिव जितने भी पॉलिसी होती है वो RBI बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी में जो मतलब लोन वसूली का जो एक रूप होता है क्रेडिट कार्ड में, उसमें भी हमारी RBI ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बना रखी है आप लोगों के अधिकारों को लेकर। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अगर आप बैंक से लेते हैं, तो पहले आपका मोटो होना चाहिए कि हाँ भाई, आपने लिया है तो उसका पेमेंट कर दो, बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं बनिए। आपका मोटो अगर है ये कि हाँ जी, हमने पैसा बैंक से ले लिया और उसका पेमेंट नहीं करना है, तो फिर आप पे 420C का केस लगकर आपको अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन मुसीबत कोविड-19 जैसी मुसीबत, जॉब छूटने जैसी मुसीबत, या कोई ऐसी अनहोनी जिसके बाद आप पेमेंट करने में असमर्थ हो रहे हैं, और आप जब पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक आपको कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपके नियम कानून ये हैं RBI के अंतर्गत। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जब बैंक कॉल करता है तो उनका एक टाइमिंग होता है, सुबह 9 बजे से लेके वर्किंग पीरियड में ही आपको कॉल कर सकता है। यह है कॉल करने का नियम, रिमाइंड कराने का नियम। आपको बेवजह वो परेशान हर टाइम नहीं कर सकता है, बिना आपके अनुमति के आपके घर में या आपके ऑफिस में नहीं आ सकता है, आपके कर्जों के बारे में आपके अलावा आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, आपके पड़ोसी को, उसको बताने का कोई हक नहीं है। यह RBI का नियम है। RBI का नियम आपको पूरा अगर पढ़ना है तो ये जो WhatsApp नंबर आ रहा है, आप इसमें आइए, हम आपको पूरी पॉलिसी भेज देंगे, PDF में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके परिवार में कोई मिस हैपनिंग घटना घटी है, और उस टाइम अगर कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, तो आप 2-4 दिन के लिए आप उसे मना कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर वह आपको कॉल करता ही रह रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, आपको बार बार धमका रहा है, तो दोस्तों, आपको पुलिस में जाने का बिल्कुल अधिकार है इस नियम कानून के अंतर्गत। क्योंकि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बैंक एग्रीमेंट में ये है कि आपका वो सिविल खराब करेगा, आपकी जो बेइज्जती होती है, सोशल आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें आपके व्यवहार को खराब करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। तो आप अगर कोई रिकवरी वाला आपके पास आता है बिना बताए हुए, तो आपका अधिकार है उनसे पूछना कि आप कहाँ से आए हो और आप किसके बिहाफ पे आए हो। अगर वो बोलता है कि मैं फलाना बैंक के बिहाफ पे आया हूँ, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपना ID दिखाइए, और आप हो सकते हैं तो आप उसके अपना आधार कार्ड भी उनसे मांग सकते हैं, और आप उसके बिहाफ पे उसकी कंप्लेंट बैंक के RM जो इसके बिहाफ पे वो आता है, उसका एक रिलेशन मैनेजर होता है, आप उसका नंबर लेके बैंक बात कर सकते हैं, और आप उसको आगाह कर सकते हैं कि ये मुझे बार बार ऐसे परेशान कर रहा है,
जो प्रॉब्लम है मैं या तो आप मुझे उसका सोल्यूशन दीजिए, आरएम को सोल्यूशन देने का अधिकार है, अगर आपकी परेशानी है तो वो उसका सोल्यूशन अच्छे से अच्छा बताएगा अपने अधिकार क्षेत्र में, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं और आपको अच्छी सलाह दे सकता है। लेकिन अगर आपको वो भी परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा अगर आपको बोल रहा है, तो आप बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हैं। दोस्तों, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको उस बैंक के नोडल ऑफिसर का मेल आईडी चाहिए तो आइए हमारे व्हाट्सएप में, हम आपको नोडल ऑफिसर की मेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको पुलिस में जाने से पहले आरएम को, नोडल ऑफिसर को आगाह करना है कि यह रिकवरी कंपनी मुझे परेशान कर रही है, तो वह जो आरएम है और नोडल ऑफिसर है वह अपने आप ही आपके रिकवरी को स्टॉप कर देगा। उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है और वह चाहे तो वह रिकवरी एजेंट का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन आप वहां से भी ना संतुष्ट हो और वहां से भी संतुष्टि वाला अगर कोई आपको जवाब ना मिले, तो आप फिर पुलिस में और आरबीआई के ग्रीवांसेस सेल में उनके बैंकों के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका अधिकार है, आरबीआई ने ये अधिकार आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि अगर भविष्य में आपको अगर कोई रिकवरी वाला बेवजह बहुत परेशान करे, आपको हरेसमेंट करे, आपके जान पहचान वालों को फोन करे, तो आप इस नियम कानून के अंतर्गत जो नियम कानून आरबीआई ने बनाया है उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उससे पहले फिर आपको वही करना है, आरएम को कंप्लेंट करना है, आरबीआई और उनके नोडल ऑफिसर को अपना कंप्लेंट दर्ज कराना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो चैनल पे नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा, ताकि उनका भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बढ़े। कोई अनहोनी घटना ना घटे उससे पहले आप अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए, ताकि आपका ज्ञान ही आपके जीवन को बर्बाद होने से बचा सके। पढ़ने का शौक है, आइए हमारी वेबसाइट www.ahktips.com, मिलेगा ज्ञान वो जो आपके काम की हो। दोस्तों, मैं था अब्दुल और आप देख रहे थे AHKTIPS। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।